ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये बेतिया का दुर्गा मंदिर है। ये आज का पानी नहीं है, कल का पानी नहीं है, ये एक महीना से पानी लगा हुआ है। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये कमलनाथ नगर का स्थिति है। बिहार में बाहर है, काहे कि बिहार में बाढ़ है, हर हर गली हर मोहल्ले का यही हाल है। कमलनाथ नगर बेतिया का जान है, मेन टाउन है, कोचिंग का इलाका है, सारा कोचिंग, सारा इंस्टीट्यूट, सारा। देखिए रिक्शा वाले का प्रॉब्लम, पलटे का तो कौन जिम्मेदार है? घुराइए, आप कमलनाथ नगर में है, बेतिया का जान है कमलनाथ नगर। हम आप लोगों को लेके आए हैं बेतिया के दुर्गा मंदिर के रास्ता, जो ये देख रहे हैं दुर्गा मंदिर का रास्ता है। और यहाँ पर पानी हम देख रहे हैं, जब मेरा पहला वीडियो बेतिया पे आया था, जो बाढ़ का समस्या था, तब से यहाँ पर जल जमाव का समस्या आपको देखने को मिल रहा है। हॉर्न नहीं बजाए, खाली जगह तो हॉर्न काहे बजा रहे हैं भैया? तो समस्या आपको देखने को मिल रहा है ये चीज। और ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, नहीं, एक महीना से कंटिन्यू पानी लगा हुआ है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये बेतिया का दुर्गा मंदिर है। और ये देख रहे हैं जल जमाव जो लगा हुआ है, ये एक महीना से वहां से यहां तक कंटिन्यू एक महीना से जल जमाव है, और इस पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये भैया आ रहे हैं पानी में। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? एक मिनट रुक सकते हैं, आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आजादी मुबारक। ये आजाद देश का हालात आप देख रहे हैं, यहाँ से आप डेली गुजरते हैं। ये पानी कब से लगा है भैया? नहीं, अभी ये पानी कंटिन्यू कब से लगा हुआ है? उससे पहले से भी ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हालात है, 15-20 दिन से तो ऐसे पानी लगा हुआ है, निकासी नहीं है। तो थैंक यू भैया। ये दुर्गा मंदिर का रास्ता है और ये बेतिया का स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये भैया, भैया ये पानी कब से लगा है यहाँ? 4-5 दिन से ये बता रहे हैं, 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ। अब ये लोकल अंकल है, इनसे मैं सच्चाई जानता हूँ, सच्चाई। आप यहाँ के लोकल हैं, इनसे मैं सच्चाई जानता हूँ। ये दुर्गा मंदिर का रास्ता है और ये हालात आप देख रहे हैं। दिखाइए, इधर दिखाइए हालात, ये पानी देख रहे हैं, इधर दिखाइए। लोग डर से पार नहीं करते हैं पानी की वजह से। आपका क्या नाम हुआ चाचा? हरिंदर प्रसाद जी हैं। आप बताइए, पानी कब से लगा हुआ है? अरे पानी, ये आज का पानी नहीं है, कल का पानी नहीं है। ये आप सोच रहे हैं कि कल रात को बारिश हुआ है जिस वजह से पानी लगा है, तो ऐसा बात नहीं है। एक महीना से पानी लगा हुआ है और ये दुर्गा मंदिर है, रास्ता कोई निकासी का नहीं है। एक महीना से कंटिन्यू लगा हुआ है, लगातार एक महीने भर जाता है, फिर निकासी होता ही नहीं है 10-15 दिन तक। 10-15 महीने नहीं चलेगा ये। जब पहला बरसात हुआ था तब ये पानी आपको लगा हुआ है और वो अभी तक लगा हुआ है, कोई निकासी नहीं है। तो यहाँ के जो भी पार्षद हैं, जो देख रहे हैं, इस पे काम कीजिए। हमारा देश आजाद हो गया है लेकिन यहाँ की समस्याएं आजाद नहीं हुई है। हाँ, और देखिए किसी नाला पे स्लैब नहीं है, जो अनजान आदमी आ रहा है बेचारा घुस जाता। अच्छा, ऐसा कांड हुआ है कि नहीं? गाड़ी में इसमें बाइक वाला भी बहुत सारा लोग गिर जाता होगा, नाला में पानी है, कुछ रहा है, सब लोग रहा है। तो यहाँ के निवासी का जो प्रॉब्लम है, नागरिक का, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और ऐसा नहीं है कि बारिश हो रहा है, पानी लग रहा है, फिर निकल जा रहा है 2-3 घंटा में, एक दिन में। एक महीना से कंटिन्यू यहाँ दुर्गा मंदिर में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ से ऐसा नहीं है, रोड है, अफसर जाते आते हैं। जब हम देख रहे हैं तो 10-15 दिन से जब हम देख रहे हैं तो वो लोग भी देखते होंगे लेकिन छोड़ देते हैं। फिर 5 साल के बाद आएंगे जो पार्षद होंगे, जो मुखिया होंगे, भैया वोट दीजिए हमको, फिर खत्म। समस्या देखने नहीं आएंगे, वोट मांगने आएंगे। इस समस्या को आप लोग जल्द से जल्द दूर कीजिए। जल जमाव कब से अंकल? हमेशा है। ये कमलनाथ नगर है। देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था मोती झील का हाल दिखाया था मुजफ्फरपुर का, वो जानता है। बेतिया का जान कमलनाथ नगर है। पानी है,
और यहाँ के जो पार्षद है आप लोग से नहीं मिलते यहाँ करके, हमारा नाम लिखिए घर में पानी। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष किराना। सुभाष किराना अंदर से दिखाइए दुकान का, इधर लाइए। ये सुभाष किराना है और ये कमलनाथ नगर है। और ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ये कमलनाथ नगर का स्थिति है। इनके दुकान के अंदर तक, घर के अंदर तक पानी है। आ सकते हैं, आइए। ये देखिए मैं दुकान के अंदर आया हूँ, भीतर देखिए अलमारी सब हमारा सो गया। ये पानी से देखिए क्या स्थिति है इनके घर का और इनके दुकान का। ये देखिए दुकान के अंदर तक पानी आ चुका है। एक आज का पानी है कि बहुत दिन से पानी लगा हुआ है? अरे बराबर होता है पानी, रात में बरसा है तो पानी है। ओ, और ये पानी का निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है? कोई निकासी नहीं है, इसी तरह कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आते हैं? यहाँ के कोई नहीं आता है? वोट के टाइम सब कोई आता है वोट के लेने के लिए सब। ये देखिए ये गली का हाल है, नाला नहीं ना इधर हो, और सब घर में पानी लगा हुआ है ना। लीजिए, बिहार में बाहर है, कहे कि बिहार में बाढ़ है, हर हर गली हर मोहल्ले का यही हाल है। देखिए ये कमलनाथ नगर का हाल है, दुर्गा मंदिर का भी हाल मैंने और वहाँ के रोड का स्थिति दिखाया। वहाँ भी बारिश था और जल जमाव तकरीबन एक महीना से वहाँ पर भी लगा है और यहाँ पर भी। इन्होंने बताया कब से लगा है ये जल जमाव जो है? जब पानी बरसता है तब लगा। क्या नाम हुआ था आपका? गणेश कुमार गुप्ता। निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, दुकान दुकान में पानी घुस जा रहा है। देखिए रास्ता भी जो कमलनाथ नगर का है गड्ढा गड्ढा बना हुआ है। कितना दिखा दे वाला? आइए भैया यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, कितना भी दिखा दिया जाए कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं ये कोई फायदा नहीं है, जितना भी दिखा दिया जाए। कहे कि यहाँ की जो भी सरकार हो चुकी है अंधी बहरी, यहाँ से प्रशासन का गाड़ी नहीं गुजरता होगा, मंत्री का गाड़ी नहीं गुजरता होगा। दुर्गा मंदिर का स्थिति, यहाँ कमलनाथ नगर बीतिया का जान है, मेन टाउन है, कोचिंग का इलाका है, सारा कोचिंग सारा इंस्टीट्यूट सारा यही पर है ना भैया। ये स्थिति है, गड्ढा भी मैंने देखा आपके सामने। एक्सीडेंट होता हो कि नहीं होता होगा? गिरते होंगे कि नहीं होंगे? क्या बोलना चाहेंगे कमलनाथ नगर के बारे में? आपका तो यहाँ दुकान है ना बिरयानी? हाँ, बिरयानी दुकान है। हमारे होटल में भी पानी है, इनके होटल में भी पानी है, इनके घर में भी पानी है। मैं पहले घर दिखाऊंगा फिर इनका दुकान दिखाऊंगा। और आप लोग बताइए समस्या का क्या समाधान है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? इनका घर देखिए, यहाँ तक तो यहाँ तक पानी रहता है। देखिए पूरा रूम और पूरा घर पूरा किचन बताइए हम लोग को नहाने धोने का बात। देखिए अभी हम गणेश चाचा के घर पे आए हैं। इनका घर जो है कमलनाथ नगर में स्थित है और ये बेतिया का मेन टाउन है, कोई गांव देहात नहीं है। और इनके घर में देखिए पानी का स्थिति, कल पे पानी लगा हुआ है, बाथरूम फुल है, बाथरूम नहीं जा सकते हैं, बाथरूम नहीं जा सकते हैं, बाथरूम फुल है, किचन रसोई घर में पानी लग चुका है। तो इसका जो है समस्या का समाधान क्या है आप ही लोग बताइए। मैं चीज दिखा रहा हूँ, प्रशासन का गाड़ी जा रहा है, सरकार का गाड़ी जा रहा है, मंत्री का गाड़ी जा रहा है, वो लोग नहीं देख रहे इस चीज को। जो यहाँ के लोग हैं जो परेशान हैं, इनके परेशानी को आप लोग नहीं देख रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके और जो अंधे लोग हैं जिनके आंख बंद हो चुका है वो इस चीज को देख सके। देखिए बॉल जला दिए, ये देखिए कल है, पूरा घर जो है वाटर पार्क और स्विमिंग पूल बना है। ये भैया का भी मैं दुकान दिखाता हूँ आपको। थैंक यू। बीस बाल्टी पानी फेंक चुके हैं। देखिए शाही बिरयानी में आ चुका हूँ, कमलनाथ नगर में स्थिति है और मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ। चलिए दिखाइए तो कितना बाल्टी पानी फेंक चुके हैं। गणेश चाचा ये जो पानी लग रहा है ये बराबर लग जा रहा है? बराबर लगता है। इस समस्या का क्या मतलब निकाला जाए, क्या किस तरह पानी नहीं लगे, क्या किया जाए? इसके लिए रोड चाहिए, नाला चाहिए। हाँ तभी जाएगा कोई उपाय। रोड और नाला रहेगा बनेगा, हाँ रोड नाला तो पानी का निकासी होगा। आप पानी का निकासी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे शहर का पानी जो कमलनाथ नगर का जो भी है मकान जो पानी आ रहा है बारिश का आ रहा है या घर का पानी आ रहा है, ये पानी निकलने का निकासी नहीं है। ये जो बारिश का जो भी पानी जा रहा है या घर का पानी जा रहा है ये सारा पानी जाके आपको रेलवे ट्रैक पे रुक जाता है, क्योंकि वहाँ से नाला का निकासी नहीं है। अगर कोई नाला का निकासी अगर बड़ा रहता है या कोई जाके तालाब में मिल जाए या कोई नहर में मिल जाए तो हो सकता है कि कमलनाथ नगर में पानी नहीं लगे। वहाँ से अगर कोई
नाला का निकासी रहे तभी तो पानी आके पास करेगा। अब यहाँ पे देखिए सब किसी के घर में बारिश का पानी हो जा रहा है, दुकान में हमारे दुकान में पानी है, हमारे मकान मालिक के घर में इतना इतना पानी है। ये मतलब जब भी बारिश हो जाए ये समस्या, जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक ये, जब तक नाला नहीं बनेगा, नाला नहीं बनेगा तब तक इस चीज का समस्या का कोई नहीं समाधान नहीं हो पाएगा। और ये लगातार जैसे पानी लगता है वैसे लगते रहेगा, जैसे लोग गिरते हैं गिरते रहेंगे, और जिसको जो होता है होते रहेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का पीएम है, आपको मुख्यमंत्री है जी, कमलनाथ नगर तो बेतिया का जान है, जान है। यहाँ पे सारे बच्चे, अभी देखिए कोचिंग का बच्चा जो भी जाता है, कोचिंग का तो गढ़ है कमलनाथ, यहाँ इतना इतना बच्चा पानी में भीग के और दौड़ लेके जाता है। दूसरा बात, कमलनाथ नगर से आप अगर सड़क आकर देखें, जहाँ पर सैकड़ों कोचिंग के स्थान है, सारे गांव गांव से लोग आकर के यहाँ पर स्टडी करते हैं, क्लास करते हैं। और रोड कैसा है भैया, आप अपने मुंह से बताओ। रोड तो पोखर बनते जा रहा है, रोड पोखर बनते जा रहा है, आधा रोड कट चुका है, नाला रोड दोनों एक मिल चुका है, गड्ढा है, लोग गिर जा रहे हैं, आदमी संभल के नहीं चला जाएगा, मर जाएगा। चलिए तो इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करें, इस वीडियो को शेयर करें कि हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके और ये जनता के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद। और मैं अभी कमलनाथ नगर में हूँ, और ये तो बेतिया का टाउन है, बेतिया की जान है कमलनाथ नगर। कोचिंग का जितना गढ़ है, इंस्टीट्यूट है, सब यहीं पर है, और यहाँ का रोड का स्थिति आप देख रहे हो, जल जमाव का। तो इस समस्या पे क्या आप बताएंगे? आखिर दुर्गा मंदिर में पानी एक महीना से क्यों है? क्योंकि निकासी नहीं है, बहुत जगह है, बानू छापर में, बानू छापर वार्ड नंबर कितना था? लेकिन बैंकर्स कॉलोनी था, और भी बहुत सारे बानू छापर में भी कॉलोनी में, मतलब ऐसे ऐसे गली है जहाँ पर पानी कंटिन्यू लगे के लगे है, निकलने का कोई स्रोत नहीं है। अब ये भैया लोग जा रहे हैं तो गड्ढा का अंदाजा नहीं है, गड्ढा में गए, गिर गए, तब जिम्मेदार कौन होगा? बेचारे किससे बोलेंगे इस बारे में? तो जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए, और जो निकासी का जो व्यवस्था नहीं है तो निकासी का पानी का कुछ इंतजाम किया जाए, और सड़क को बनाया जाए, क्योंकि पूरा गड्ढा गड्ढा और ये बेकार हो चुका है जो कमलनाथ नगर का रोड है। धन्यवाद। क्या बता रहे थे आपको, ये जिस दो नया आदमी आ रहा है जिसको गड्ढा का नहीं पता है, वो देखिए बेचारे गड्ढा में गए, अभी निकाले नीचे। तो यहाँ का रोड का भी वही हाल है ना भैया, गड्ढा वड्ढा है। देखिए रिक्शा वाले का प्रॉब्लम, पलटे का तब कौन जिम्मेदार होगा बेचारा भैया? भले मार इनको पड़ेगा, लेकिन ये नहीं देखेगा कि रास्ता ऐसा है। वो बेचारे बुलोरो ला रहे थे, नाली में जाने से बचे, नाली में चला ही गया था समझिए, लेकिन बैक करके निकाले। नया आदमी है पता नहीं है क्या भैया, गड्ढा है ना, अभी आप बचे हैं, नाली में चला जाता। ठीक है, मैं ये जाइए आराम आराम से, पूरा तो रास्ता ही खराब है। देखिए ये भी रिक्शा वाले आ रहे हैं भैया, गड्ढा है कि नहीं आगे? गड्ढा है कमलनाथ नगर, गड्ढा है ना, हाँ टाउन, बेतिया का हृदय, कोचिंग संस्थान, सब कुछ यहीं पे। क्या भैया सही बात है, गड्ढा है और गड्ढा है, गिरे का नया आदमी तो कौन जिम्मेदार है? बताइए, बच्चे लोग जा रहे हैं कोचिंग करने के लिए। हमारा स्कूटी खराब हो जाएगा। अब देखिए पटका रहे हैं भैया एकदम, नाली होगा तो नाली में जाएंगे ना, नाली होगा तो नाली में, आराम से गड्ढा देख कर भैया, इधर तो लाना ही नहीं चाहिए आपको, आराम से देखिए पानी का हाल, देखिए गड्ढा, हाय हाय, ये देखिए ये बाबू को देखिए, क्या बाबू, क्या नाम है आपका? हाँ ये देखिए भैया बेचारे आ रहे हैं, गड्ढा है कि नहीं भैया? हाँ क्या बताना चाहिएगा, कमलनाथ नगर में आप हैं? हाँ कमलनाथ नगर, क्या बताना चाहिएगा? इसका हाल रोड का हाल है, मुस्कुराइए आप, कमलनाथ नगर में है, बेतिया का जान है कमलनाथ नगर, और पूरा नदी पार कर रहे हैं। पार कीजिए पार कीजिए, ये देखिए भैया को, क्या बोल रहे हैं आप? बाढ़ में दो रहे हैं हम लोग, रिक्शे चलाते हैं, भाड़ा भी नहीं मिलता है, कोई देखने वाला नहीं है, पानी कितना है? देखिए गड्ढा में आप गिरिएगा तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ऊपर ना न होते है, ऊपर वाला नहीं है, सब मोदी कर रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
हमारा देश तो आज़ाद 1947 में ही हो गया, बहुत बलिदान दिया गया देश की आज़ादी के लिए। लेकिन जो कुछ समस्याएं हैं हमारे बेतियावासी, एक्चुअली बेतिया नहीं पूरे बिहार में, उन लोगों को कब इस पानी जल जमाव से कब आज़ादी मिलेगी भाई, कब क्या तारीख बोलो तुम्हें? अरे भाई साउंड पोल्यूशन कम करें, रास्ते में भीड़ नहीं है, लेकिन किसी किसी लोग को आदत है टोटियाते रहने का, खाली रोड होगा फिर भी पिनपिनाते रहेंगे, पॉक 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 पॉक, साउंड पोल्यूशन कम करें क्या भाई? आप सभी भाई और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भाई ने बताया कि हमारा देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी हुआ, इसका समस्या जो मैं आपको दिखाया हूँ, तो ये सब समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। इससे कब आजाद होंगे, कब होंगे? भेदभाव से। और आपको मैंने सिचुएशन दिखाया बेतिया का, और इसका समस्या आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि इसका समाधान क्या है इस समस्या का। चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके समाधान बताएं। चलिए ऐसे ही प्यार करते हैं, लव यू, बाय, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला तो भैया बोलिए कुछ। अभी अब क्या बोला जाए, राहत इंदौरी साहब का तो लाइन याद आ रहा है, लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्फाज और एहसास सेम है। मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, और मेरे लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जय।